संगीत संगीत मेरे ख्याल से दिव्या की अभी जो जिंदगी है वो बहुत दोराहे पे अटकी हुई है, क्योंकि जो राज उसके साथ कर रहा है कहीं ना कहीं उसे ये पता है कि ऐसा तो नहीं कि राज को उसे धोखा दे देगा, तो इसी डर की वजह से कि आज संगीत है, शादी होने वाली है, कल अगर राज नहीं आया या राज चला गया सरिता के साथ में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी, फिर से उसका जो 10 साल का प्यार था वो अधूरा रह जाएगा, तो वही टेंशन में है और जिसकी वजह से उसका जो पूरा ध्यान है वो अपने संगीत पे नहीं लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो सिचुएशन पहले सरिता के साथ में वो मेरे साथ में होगी, पहले राज मुझसे प्यार करता है इस वजह से सरिता को वो स्वीकार नहीं कर पाता है, और अभी ऐसा हो गया कि जब मैं उसकी जिंदगी में वापस आई हूँ तो वो सरिता से प्यार करने लगे जिसकी वजह से वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो बहुत सारी सिचुएशन है और बहुत ज्यादा ट्विस्ट है शो में हमारे, तो प्लीज देखते रहिए पुनर्विवाह। ये हमारी कहानी बन सकती है कि मतलब वो उधर भी लाइन मार रहा है और इधर भी लाइन मार रहा है, फिर पता चल रहा है कि क्या हुआ कि सरिता के साथ भी उसने चुपचाप शादी कर ली, मेरे साथ घर वालों के सामने शादी कर ली और ट्विस्ट चल रहा है शो में। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, और अभी मेरे ख्याल से मैं उसके दिमाग से निकल चुकी हूँ, जो कि मुझे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ जब से मैं वापस उसकी ज़िंदगी में आई हूँ कि मैं फिर से वो सिचुएशन क्रिएट कर सकूं कि जैसे पहले मुझसे राज प्यार करता था, लेकिन अभी मुझे ये भी पता है कि वो सरिता से प्यार करता है, उसके साथ भागने की पूरी तैयारी में है। हाँ बिल्कुल वही होता है कि लाइक 10 साल पहले की बात थी जब हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, और अब मैं अपना करियर के लिए उसे छोड़ के चली जाती हूँ यहाँ से, लेकिन वापस आती हूँ सरिता और राज को मिलवाने के लिए, लेकिन मैं खुद फिर से यहाँ से वापस चली जाती हूँ, फिर वो मुझे खुद लेकर आया सरिता को जलाने के लिए कि शायद अगर वो मेरे साथ रहेगा तो जलन होगी, जिसकी वजह से मतलब सरिता विक्रांत जी को छोड़ के उसके पास वापस चलेगी, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत विपरीत हो चुकी है, अब मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो सरिता से बहुत प्यार करता है और सरिता विक्रांत से प्यार करती है, तो ऐसे ऐसे करके लाइन्स चल रही है हमारी। तो ये जो प्यार है क्या वापस कन्वर्ट हो पाएगी शादी में? मैं पूरी कोशिश करूंगी, पता नहीं ऐसा हो सकता है कि संगीत संगीत ही रह जाए शादी तक, हो मतलब शादी तक हम पहुंचे ना, हो सकता है शादी हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूँ कि राज को मैं पहले जैसा राज बना सकूँ। नहीं नहीं ये अभी देखिए 10 साल पहले था, वो एक अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसे करियर बनाना है, प्यार वो रात से बहुत करती थी, लेकिन उसका ये था करियर बना लूँ मैं वापस आऊँगी, वो वापस भी आई थी शादी के लिए कि वो रात से शादी करेगी, लेकिन उसकी शादी ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी होती, लेकिन अब जब वो वापस आई है तो पूरा उसने अपना करियर तक छोड़ दिया कि उसे एक्टिंग नहीं करनी है, अब वो सिर्फ इस घर की बहू और राज की पत्नी बनके रहना चाहती है। तो राज कहीं ना कहीं आपको भी धोखा दे सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, ये डेली सोप है, हो सकता है कल को मुझे अभी देखिए वो देखा जाए तो मुझे धोखा ही दे रहा है, वहाँ धोखे से मुझे लेकर आया था, अब लेट्स सी आगे शादी होती है या नहीं होती है। कौन सा चैनल है? बॉलीवुड एंड ग्लैमर। हाय मैं हूँ पारुल चौहान, पुनर्विवाह की दिव्या, मेरी तरफ से सभी दर्शकों को, बॉलीवुड एंड ग्लैमर के सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, अच्छे से दिवाली मंगाई, एंजॉय कीजिए, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच।